वेलकम स्टूडेंट अगेन। अब कंटिन्यू हम करेंगे फंक्शंस को। फंक्शंस जो हम ऑलरेडी हम देख रहे थे कि हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट को हमने फंक्शन में पास किया था। नाउ अब कुछ दूसरे फंक्शंस भी, दूसरे आर्ग्यूमेंट्स भी दिखेंगे जो हमने पास करने। सबसे पहले हम लिस्ट को पास करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक फंक्शन बनाया डू समथिंग, इसको हमने डू समथिंग बना दिया इसके नाम से। तो यहाँ आप देखेंगे तो हमने फंक्शन के अंदर एक लिस्ट को पास किया है, लिस्ट को हमने फोर ग्रुप में डाल दिया और उसके एक एक एलिमेंट को प्रिंट कराना है। तो यहाँ हमने दिस इज़ द फंक्शन, यहाँ से हमने स्टार्ट होगा हमारा प्रोग्राम। डू समथिंग हमने उसको कॉल किया और एक लिस्ट को पास कर दिया। लिस्ट यहाँ लूप में आएगी और एक एक एलिमेंट को यहाँ प्रिंट किया। ऐसे ही हमने एक लिस्ट, दूसरी लिस्ट बनाई, उसके अंदर हमने कुछ स्ट्रिंग वैल्यूज को पुट किया और फंक्शन के अंदर फिर से इसको कॉल कर दिया। दोबारा से फंक्शन कॉल होगा, फिर से फंक्शन कॉल करेंगे हम, फिर से लूप में सारे एलिमेंट जाएंगे और एक एक करके एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा। तो रेड ग्रीन ब्लू, तो ये आसान है, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ऐसे ही हम यहाँ पर स्ट्रिंग को पास कर रहे हैं, एक फंक्शन बनाया वेलकम और यहाँ पर हमने टाइटल के अंदर स्ट्रिंग पास किया। आर हमने मोहन ले लिया और आर को मोहन के अंदर कॉल करा दिया। तो ये कॉल होकर इधर आ जाएगा उसके पास और इसके हेलो के अंदर टाइटल प्रिंट होगा। यहाँ पर एक्चुअली यहाँ प्रिंट कमांड नहीं है। अगर प्रिंट कमांड टाइटल को प्रिंट करेंगे तो आपका जो आंसर है वो आएगा हेलो मोहन, क्योंकि हमने ऐड कर दिया हेलो के साथ मोहन को। अगर हम यहाँ प्रिंट आर करके देखें तो आर की वैल्यू अभी भी क्या है, मोहन ही है। मीन्स ये फंक्शन यहाँ पर चेंज नहीं हुआ वैल्यूज़ को, बिकॉज स्ट्रिंग आर द इम्यूटेबल वैल्यूज़। ऐसे ही हम टपल करेंगे, टपल को भी कर रहे हैं, दो टपल वैल्यू डाल दी। यहाँ फाइंड कर रहे हैं कि कौन सा मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम आर में हमने ये वैल्यू डाल दी है। तो यहाँ पर आपके पास 3,1 आया, 3 में से 3 फर्स्ट में चला गया, अब 1 सेकेंड में चला गया। हमने उनको साइन किया, फर्स्ट ट्रू है, फर्स्ट ग्रेटर देन सेकेंड ट्रू है, तो उसने फर्स्ट को रिटर्न कर दिया। रिटर्न कहाँ पर आया, एम में स्टोर हो गया। तो एम में क्या स्टोर हुआ, 3। प्रिंट एम किया तो आपका आउटपुट 3 आ गया। नाउ डिक्शनरी, डिक्शनरी को भी वैसे ही पास करेंगे। डिक्शनरी को कॉल किया, यहाँ पर डिक्शनरी आपकी डी में आ गई। डी को हमने लूप में डाल दिया और उसकी की और वैल्यूज़ को हम प्रिंट कर दिया, A1 B2 C3। ये आपकी वैल्यूज़ प्रिंट हो गई हैं। तो दीज आर द, ये ऑल आर द फंक्शंस जो हमने पढ़े अभी ऊपर, ये सभी के सभी यूज़र डिफाइंड फंक्शन है। बट सम इन फंक्शंस जो आपकी लाइब्रेरीज होती हैं, जो मॉड्यूल्स होते हैं, उसको हम इंपोर्ट कर सकते हैं अगर हमें कुछ काम करने हैं। उसमें सबसे पहले आता है मैथमेटिकल फंक्शन। इसको करने के लिए हमें मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट करना होता है। उसके अंदर एक फंक्शन होता है एसक्यूआरटी। अ लॉट ऑफ फंक्शन इज़ देयर, पर एक एसक्यूआरटी फंक्शन है, इसको हमें यूज़ किया तो इट विल फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ एनी वैल्यूज़। तो उसका स्क्वायर रूट 2 आता है, तो 2 निकलेगा। और ऐसे ही आपके दिखेंगे तो यहाँ मैथ लाइब्रेरी, जो मैथ मॉड्यूल है, उसके अंदर लॉट ऑफ फंक्शन इज़ देयर। बट इसमें से बहुत सारे इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, आपके कुछ इंपॉर्टेंट है, ये वाले आपको इंपॉर्टेंट करने हैं। एक्सपोनेंट और लॉग वाले फंक्शन आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये इनका वैल्यू एग्जैक्टली हमें नहीं पता होती है। ये वाले फंक्शन आप करेंगे, ये करेंगे और ये वाले करेंगे, ये वाले फिर से नहीं होंगे, क्योंकि इनकी वैल्यूज़ जो आती हैं वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होती हैं अपडेट करना, क्योंकि नॉर्मली इनके लिए कैलकुलेटर की जरूरत पड़ती है। बट ये फंक्शन जो मैंने भी टिक किए हैं, इनके लिए कोई कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है। सिंपल यहाँ आप इनके एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको सारे समझ में आ जाएंगे कि ये क्या काम करते हैं। स्ट्रिंग फंक्शन जो होते हैं, ये भी फंक्शन होते हैं, बट इनको इंपोर्ट नहीं करना होता। ये पाइथन के साथ इनबिल्ट लगे होते हैं, ये हमेशा के लिए यूज़ करने के लिए होते हैं। तो उसमें से अगर एक देखिए, हम कैपिटलाइज का मतलब क्या होता है, ये फर्स्ट कैरेक्टर को कैपिटल करता है। तो हमने स्ट्रिंग में रखा था, यहाँ आई स्मॉल है, जैसे इसको कैपिटलाइज किया और आउटपुट चेक किया तो आई यहाँ कैपिटल हो गया। तो ऐसे ही आपके पास यहाँ देखेंगे तो बहुत सारे फंक्शन हैं। ये कन्वर्ट फर्स्ट स्ट्रिंग को अपर केस में करता है, केस फोल्ड है, कन्वर्ट स्ट्रिंग इनटू लोअर केस, सेंटर को सेंटर स्ट्रिंग कर देता है, काउंट करता है कितने उसके अंदर वैल्यूज़ हैं, एनकोड है, एंड विद है। तो ये हमने ज़्यादातर यूज़ करने नहीं है, हमें फाइंड वाला यूज़ करना है, कैपिटलाइज यूज़ करना है, इंडेक्स को भी कभी कभी यूज़ कर सकते हैं। जितने इज से स्टार्ट होते हैं, ये सारे के सारे फंक्शन ट्रू या फॉल्स में आते हैं। क्या वो डेसिमल है, क्या वो अल्फ़ा है, क्या वो डिजिट है, क्या वो लोअर केस में है, क्या वो अपर केस में है, क्या उसके अंदर स्पेस है, ये सारी वैल्यूज़ चेक होती है। उसमें हम ज्वाइन करेंगे, दो स्ट्रिंग को ज्वाइन करना हो, स्ट्रिंग को लोअर केस में करना हो, स्ट्रिंग को हमको काटना है या स्ट्रिंग को पार्टीशन करना है, कितने वैल्यूज़ में रिप्लेस करनी है, कोई वैल्यू स्प्लिट करना है, स्वैप केस करना है, जैसे इसको यूज़ करना है, ये लोअर को अपर में, अपर को लोअर में करेगा, अपर वाला केस है स्ट्रिंग को अपर में कन्वर्ट करेगा। तो ये बहुत सारे फंक्शंस हैं, इनको आप इंटरेक्टिव मोड में ही प्रैक्टिस करें और अपने मोबाइल में भी कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ इंटरेक्टिव मोड है, आपको पूरा प्रोग्राम नहीं लिखना है। तो ये सारे नोट्स मेकिंग आप बनाएंगे और इनको सबको प्रैक्टिस को प्रैक्टिस